हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MS Knowledgeable। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो CCC एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और ये प्रश्न SSC, बैंक, रेलवे आदि परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, CD-ROM किसका उदाहरण है? तो CD-ROM इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी और DVD-ROM भी, ये दोनों जो है इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। नेक्स्ट है, जावा उदाहरण है। जावा एक उच्च स्तरीय लैंग्वेज है, अर्थात हाई लेवल लैंग्वेज है। वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है। तो जैसे सुपर मार्केट हुआ, चाहे पोस्ट ऑफिस हुआ, इन सब में बार कोड रीडर का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक बार कोड को रीड करने में प्रयोग की जाती है और ये भी एक इनपुट डिवाइस है। वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वर्म्स, ये जो कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने वाले सक्षम होते हैं, इन्हें वायरस बोलते हैं, जो ट्रोजन हॉर्स है और वर्म्स है। कंप्यूटर साधनों के प्रबंध में संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क में जो है प्रिंटर का विशेषता यूज किया जाता है। MS विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है वह एक प्रकार का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, अर्थात GUI सॉफ्टवेयर है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज की हुई थी और ये चार्ल्स वेवर ने की थी और चार्ल्स वेवर को ही आधुनिक कंप्यूटर का पितामह माना जाता है। ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसकी ये फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले कंप्यूटर जो आजकल हैं वो कितने हैं? वो डिजिटल कंप्यूटर, और डिजिटल कंप्यूटर चार प्रकार के आपके होते हैं। Cray-1 क्या है? Cray-1 एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है और भारत में निर्मित जो है सुपर कंप्यूटर जो भारत का है उसका नाम है परम 1000। उसके बाद अब जो आया है जो लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर भारत का परम सीरीज का, वो है परम अनंत। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम था ENIAC। आधुनिक कंप्यूटर खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो आधुनिक कंप्यूटर खोज जो है 1946 में हुई थी। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो ये 1960 में कंप्यूटर के में एक तरह की क्रांति आई और उसके बाद इसमें इतनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होते चले गए। कंप्यूटर साक्षर दिवस कब मनाया? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किससे बनती है? तो जो IC चिप होती है, जितने भी इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, वो सिलिकॉन से बनते हैं और भारत की जो सिलिकॉन सिटी है, अर्थात जहाँ टेक्नोलॉजी कंट्री सिटी बोल सकते हैं, वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी, वहाँ पर ये IC उसे सिलिकॉन सिटी बोला जाता है, क्योंकि वहाँ कंप्यूटर के पार्ट्स और कंप्यूटर से संबंधित उपकरण वहाँ बनते हैं। विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर कब बना? तो विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर 1976 में बना। इंटरनेट के पते में HTTP का विस्तृत फॉर्म क्या? तो HTTP की फुल फॉर्म जो होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 102 से लेकर के 112 तक होती है, अर्थात 102 स्टैंडर्ड है, 102 होती है। और कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है प्रोग्रामों को। गूगल क्या है? तो गूगल एक प्रकार सर्च इंजन है जो कि आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार की सूचना का आदान प्रदान कराता है, जो भी आप सूचना चाहते हैं वहां से इसे सर्च करके आपको प्रोवाइड कराता है। .xlsx किसका एक्सटेंशन नेम है? ये MS Excel का एक्सटेंशन नेम है। ओपन और प्रिंट और सेव सभी बटन स्थित होते हैं स्टैंडर्ड टूल बार में। ओपन, प्रिंट और सेव तीनों बटन उपस्थित होते हैं। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं सेल, अर्थात जिस पॉइंट पर जो कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसको सेल बोलते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है? तो वर्ड डॉक्यूमेंट का जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम है वो है DOC। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? फोरट्रॉन। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट। कंप्यूटर भाषा फोरट्रॉन के क्षेत्र में उपयोगी है। फोरट्रॉन का जो यूज करा जाता है वो विज्ञान के क्षेत्र में यूज करा जाता है। कंप्यूटर भाषा जो कोबोल है वो व्यावसायिक कार्य के लिए यूज करता है, कमर्शियली वर्क के लिए कोबोल लैंग्वेज का यूज करा जाता है। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है न्यूमेरिक कोड।
और मल्टीमीडिया पेजेस, वेबसाइट और वेब आधारित जो एप्लीकेशन जितनी भी होती है उन्हें विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय जो लैंग्वेज है वो है जावा। इंटरनेट में प्रयुक्त जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो भी जावा ही है। और मॉडेम का जो कनेक्शन किसके साथ किया जाता है, फोन लाइन के साथ। और कंप्यूटर से जुड़े जो केबी का अर्थ होता है किलोबाइट, और जीबी का होता है गीगाबाइट, एमबी का होता है मेगाबाइट। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है, तो वाणिज्य प्रयोग के लिए जो जानकारी तैयार करना वही डाटा प्रोसेसिंग कहलाती है। प्रोसेस्ड डाटा क्या कहते हैं, जो प्रोसेस्ड डाटा होता है अर्थात जिस डाटा पर कार्य हो चुका होता है उसे आउटपुट बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये हमारी एक कंप्यूटर की सीरीज चल रही है जो कि मैंने ट्रिपल सी के लिए बनाए रखी है। अभी ये मेरा दूसरा पार्ट था और आने वाले समय में और मैं अभी इसकी संबंधित वीडियो लाऊंगा। मैं ऐसे क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ जो ट्रिपल सी में आ चुके हैं और विभिन्न विभिन्न एग्जाम जो भी SSC के, रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें कंप्यूटर संबंधी जो क्वेश्चन कराए जाते हैं उन्हीं से सबका निचोड़ इस वीडियो में लाया था। और ऐसे ही अब हमारी जो अपकमिंग वीडियो आएंगी। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत धन्यवाद और आपका वीडियो देखने के लिए भी अंत तक बहुत बहुत धन्यवाद।